हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट बैंक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है ये वाटर मोटर, जो कि गाड़ी वॉश करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली ये वाटर मोटर, और ये मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है, कहीं पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और बहुत जगह पे ये वाटर मोटर आपको नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपको इस वाटर मोटर को लेना है तो ये आपको अमेजन में जल्दी अवेलेबल है, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, और अभी जो इसका रेट है डाउन हो चुका है। तो लिंक मैं इसका जो इस कंपनी का जो है अर्था कंपनी का, इस कंपनी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या इससे रिलेटेड मोटर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट एक बार कर लीजिएगा। और इस तरह का मोटर को 400 रुपये, 600 रुपये, या 500, 600, 700, 800 रुपये, जो आपको परचेज करना है अमेजन से परचेज कर लीजिएगा। और जिसको ज़्यादा चाहिए वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लो प्राइज में दिला दूँगा। तो फ्रेंड चलिए इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कैसा इसका क्वालिटी रहने वाली है और किस तरह से ये काम करती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी इस वाटर मोटर में है, जो कि मैं कुआं में लगा रहा हूँ, मतलब एक छोटा सा बाल्टी में लगा रहा हूँ, कुआं तो ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन जितना नीचे मैं कुआं अभी दिखाया उतना नीचे से भी ये पानी ईजिली उठा लेता है। हमारे पास वायर नहीं था, अगर वायर रहता तो मैं आपको दिखा देता, वो भी मोटर ऊपर में रह के इजली पानी, मतलब सिर्फ एक पाइप नीचे जाना, मोटर ऊपर ही रहेगा और पानी को इजली उठा लेता है। लेकिन पाइप आपका अच्छी क्वालिटी और एयर लीकेज नहीं होना चाहिए, एयर लीकेज होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त वाटर मोटर है, और चलिए मैं आपको चालू करके दिखाते हैं अभी आपको, और इसकी क्वालिटी बाइक वॉशिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी 4.5 वोल्ट में दिया हूँ, और 4.5 वोल्ट में देखिए पानी का जो स्पीड है और बेहद ही ज़बरदस्त है 4.5 वोल्ट में। फिर भी मैं यहाँ पे 14 वोल्ट दूंगा, 14 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक इसमें दे सकते हैं। तो 12 वोल्ट का ही पावर सप्लाई का यूज करें, या 14 वोल्ट 12 वोल्ट, 14 वोल्ट से ज़्यादा का यूज करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, जो कि इस मोटर में इजीली लिखा हुआ है 14 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक। तो चलिए मैं यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं। वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद हमारा जो स्पीड बढ़ चुका है, और अभी जो फ्लो है बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अब मैं दिखा रहा हूँ प्रेशर जो कितना ज़्यादा मैं यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। हम और होम यूज के लिए भी यहाँ पे, जैसे दवाल हमारा गंदा हो गया तो इसके लिए क्लीनिंग इजीली यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि पानी डालना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इस वाटर पंप से बहुत ही कम खर्चा में इजीली यहाँ पे दवाल में पानी छिड़काव करके अपना जो घर का है उसको इजीली साफ सफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे घर का भी साफ सफाई कर ले रहा हूँ और अपना बाइक का वॉश भी कर ले रहा हूँ। तो बहुत जगह शहर टाउन में या गांव देहात में भी घर के दीवार में बहुत ही गंदगी जम जाता है, तो इसको इजली इसको परचेज करके बिजली रिम साफ कर सकते हैं। और देखिए हमारा जो बाइक बहुत ही दूर में है, वहां तक हमारा जो पानी पहुंच रही है, तो समझ जा रहे हैं कि कितना हाइट तक यहां पे पानी इसका प्रेशर हो जा रही है। हमारे पास मुँह नहीं था, इसका जो नोजल होता है वो हमारे पास नहीं था, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पर जो पाइप है हमने पतली लगाया है, यहाँ पर पाइप आपका जो है मोटी साइज का लगेगी, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें ताकि अच्छी तरीके से पाइप का जो प्रेशर का जो क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से आपको मिल पाएगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कचरा भी साफ़ सफाई यहाँ पे जो भी वॉश इजली सारा चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे वॉश करके भी दिखा रहा हूँ। ये जो कचड़े हैं झाड़ू लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा दीवार में काई जम गई है, जो कि बरसात में इजली ये सब प्रॉब्लम दीवार में आता ही है, तो इसको भी रिमूव इजली कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको रिमूव करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इजली मैं यहाँ पे रिमूव कर लिया हूँ, और
अब चलिए फ्रेंड, मैं अपना बाइक वॉश करने के लिए यहाँ पे सारा चीज़ को असेंबल करते हैं और आपको अपना बाइक को वॉश करके दिखाते हैं इससे। और बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही इजीली यहाँ पे अपना बाइक को वॉश कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे मोटर को ऑन कर लिया हूँ और ऑन करते ही हमारा जो यहाँ पे चालू हो गया है मोटर। थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो फ्रेंड हमारा जो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हमारा, तो ये हमारा चालू हो चुका है। और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, और मैं यहाँ पे अपना बाइक को वॉश कर पा रहा हूँ। और काफ़ी वेटर है और इसका नोजल और क्या बोलते हैं उसको पाइप जो है, इसकी मोटी वाली पाइप जो है लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आप अपना बाइक को वॉश कर पाएंगे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ। तो चलिए मैं अभी आपको वॉश करके दिखाते हैं और वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप देख पाएंगे पूरा कि हमारा जो बाइक रियली में वॉश को वॉश कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो देखिए बहुत ही प्रेशर है यहाँ पर पानी का ज़बरदस्त, और मेरा लेके भी सप्ताह या 10 से 20 दिन के लगभग हो चुका महीना भर। तो महीना भर से मैं इस पंप को यूज कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं इसका वीडियो रिव्यू के लिए बना रहा हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि ये पंप कितना कंफर्टेबल और कितना यूजेबल पंप है, जिससे कि आपका काम सही से हो पाए। तो यहाँ पे इस पंप में सारा चीज़ मुझे ठीक ठाक लगा और इजीली वॉश, जहाँ भी कचड़े लगे रहते हैं वो सारे कचड़ा को इजीली रिमूव कर देता है प्रेशर की वजह से। और हर जगह का एक ही जो एक गाड़ी वॉश करने के लिए ज़रूरी होता है फ्रेंड, वो पूरा पूरी इस पंप में आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, इसका डबल साइडेड मोटर में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, उसका मज़ा कुछ अलग है फ्रेंड। तो यहाँ पे दोनों पंप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन से इजीली परचेज कर सकते हैं, या हमसे लेना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहते हैं तो ही हमसे कांटेक्ट करें इस पंप के लिए, अन्यथा मैं इस पंप का कोई कुछ भी मैं इस पंप को दे नहीं सकता। और इजीली अमेजन से परचेज कर ले, क्योंकि अमेजन में जितना कम रेट में देगा उतना कम रेट में मैं दे नहीं पाऊँगा सिंगल पीस। तो देखिए हमारा जो गाड़ी पूरी तरीके से वॉश मैं कर लिया हूँ, और थोड़ा सा और बची हुई है जो कि मैं यहाँ पे शैम्पू लगाऊंगा और इसको वॉश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो भी गाड़ी के अंदर कचड़े लगे हुए वो सारे बालू, बरसात के दिन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रेंड, तो जिसमें वॉश कर देने से गाड़ी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल पाती है। तो इन चीज़ों का गाड़ी के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस पंप को परचेज किया हूँ ताकि मैं भी इसको अच्छी तरीके से वॉश कर पाऊँ और अपना गाड़ी का जो कचरा है वो इजीली रिमूव कर पाऊँ। तो ये हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे हमने इसको कर लिया हूँ, और यहाँ पे जो हमारा जो गाड़ी इजीली वॉश हो रहा है। और ये बहुत ही बेटर क्वालिटी में हमने इसको वॉश कर लिया हूँ, और ज़बरदस्त अभी चमकने लगी है हमारा बाइक बिना कोई शैम्पू का। अभी शैम्पू मैंने यूज़ भी नहीं किया हूँ, और जब मैं इसमें शैम्पू यूज करूँगा तो इसका जो क्वालिटी है और ही बेटर लगेगी। तो देखिए यहाँ पे क्वालिटी जो बहुत ही बेटर और बहुत ही अच्छी लग रही है, और बाइक भी हमारा जो वॉश हो गया बात मात्र एक बाल्टी या डेढ़ बाल्टी या दो बाल्टी के अंदर अपना जो बाइक को इजीली वॉश कर पाएंगे। सबसे बेस्ट फ्रेंड इसमें जो है पानी की बचत है, ज़्यादा पानी की खपत इसमें नहीं होने वाली है। तो चलिए मैंने शैम्पू लगा लिया और यहाँ पर शैम्पू पानी घोल लिया हूँ, जिससे कि हम इजीली बाइक को वॉश करूँगा और थोड़ा सा और अच्छे तरीके से चमक आ जाएगी बाइक में। तो ये मैंने अपना बाइक को वॉश कर रहा हूँ और बाइक में देखिए चमक आने लगी है। कुछ देर में आपको
पता चल जाएगी कितना चमक आने वाली है। और तो फ्रेंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और फ्रेंड जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है। और ऐसे रिलेटेड वीडियो देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल पे वीडियो आते रहे कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड या इस चैनल में रिपेयरिंग से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, विजिट करें। और हमारा जो रेगुलर वीडियो जो है हमारे चैनल में, उन सारे वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें। आपका ज़रूरत का कुछ होगा तो आपका ज़रूर ही कुछ ना कुछ काम आएगा वीडियो से, और एक बार तो ज़रूर देखें जो अच्छा लगे आपको, जो ज़रूरी है। मैंने ये कहा था कि सब वीडियो ही आप मेरा देख ही लोगे, तो जो आपका वीडियो अच्छा लगता है उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपका जानकारी भी हो जाए और आपके लिए भी कुछ काम आ जाए। तो ये हमारा बाइक तो पूरे तरीके से मैंने वॉश कर पा रहा हूँ। मैंने ज़्यादा वीडियो को स्किप नहीं किया, ज़्यादा वीडियो को फास्ट नहीं दिखाया। नॉर्मली मैं बाइक वॉशिंग करने का पूरा अच्छे तरीके से दिखाने का यहाँ पर कोशिश किया हूँ, ताकि इजीली इस पंप को आप परचेज कर सको। और पूरा बाइक को वॉश करके आपको दिखा रहा हूँ, जिससे कि हमारा जो बाइक पूरे तरीके से इसी पंप से मैं वॉश कर पा रहा हूँ, और ज़बरदस्त इस पंप से हमारा जो बाइक है वॉश हो रहा है। और फ्रेंड अब मैं यहाँ पे सिंपल सा पानी इसमें उपयोग करूँगा, और हमारा जो है पानी से वॉश हो चुका है। और अब देखिए हमारा बाइक का लुक कैसा दिख रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही था, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।